इलेक्शन कमीशन से खबर है, नवाज शरीफ की पार्टी सदारत से नाहली के बाद मुस्लिम लीग नून की रजिस्ट्रेशन मनसूखी का मामला। नाहल शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड मुस्लिम लीग नवाज की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाए, दरख्वास्त गुजार की जानब से ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मेरी दरख्वास्त बहाल की जाए, मख्तूम न्यास इनकलाबी की जानब से ये कहा गया। क्या आपको ये मसला है कि पार्टी के नाम के साथ नवाज ना लगे? चीफ इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार। जी, मैं इस बात पर दलाइल देना चाहता हूँ, मुझे तारीख दी जाए, मख्तूम न्यास इनकलाबी का जवाब। आपकी दरख्वास्त बहाल करते हैं, आप अभी दलाइल दें। मख्तूम न्यास इनकलाबी को ये कहा गया, मुझे दलाइल देने के लिए वक्त दिया जाए, वकील की जानब से ये कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकी बेंच ने समाअत की। खुरम नवाज गंदापुर और मख्तूम न्याज इनकलाबी ने मुस्लिम लीग नून की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां नवाज शरीफ की पार्टी सदारत से नाहली के बाद मुस्लिम लीग नून की रजिस्ट्रेशन मनसूखी का मामला। नाहल शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड मुस्लिम लीग नवाज की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाए, दरख्वास्त गुजार की जानब से ये मौकफ अपनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मेरी दरख्वास्त बहाल की जाए, दरख्वास्त गुजार की जानब से ये कहा गया। क्या आपको ये मसला है कि पार्टी के नाम के साथ नवाज ना लगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से सवाल पूछा गया।